गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, छत्तीसगढ़ का जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो फाइनल कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं कि इस फर्स्ट राउंड में फाइनल कट ऑफ क्या गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप लोग बार बार फ़ोन करेंगे एट द सेम टाइम, तो मैं या तो वीडियो बना पाऊंगा सभी के लिए या फिर किसी एक पर्सन को रिप्लाई कर पाऊंगा। तो सॉरी कि मैं अभी आप लोगों का कॉल और मैसेज रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिलहाल तो अनरिजर्व कैटेगरी में 4549 मार्क्स पे कांकेर मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है। कांकेर जो इस साल नया खुला हुआ है, इसके साथ ओबीसी में ओबीसी 58 को ओबीसी 158 जो ओबीसी रैंक है इनका और मार्क्स है 546 546, इनको भी सेम कांकेर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो इनका एसटी रैंक है 187 और मार्क्स हैं 354। तो ये कट ऑफ गया है एसटी कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, सेम कांकेर ही इनको अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी में एससी 78 और मार्क्स हैं 466, इनको मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर। और ईडब्ल्यूएस 66 रैंक, व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस, इनको मिला है रायगढ़, क्योंकि फिलहाल कांकेर और अंबिकापुर में ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं हैं और इनके मार्क्स हैं 503 नंबर। तो देखिए फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट में भी कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप हुआ है, तो सेकेंड राउंड में डेफिनेटली कट ऑफ काफ़ी और ज़्यादा ड्रॉप होने की संभावना है। अब पंडित जैनम मेडिकल कॉलेज में, पीटी जैनम में रायपुर में ईडब्ल्यूएस को टोटल जो पंडित जैनम का जो कट ऑफ है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो पंडित जैनम का जो कट ऑफ है ये है यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए 611 मार्क्स। ओबीसी के लिए जैनम का कट ऑफ गया हुआ है 591 591। एससी कैटेगरी के लिए ये गया हुआ है 516 516। एसटी कैटेगरी के लिए ये गया हुआ है 416। और ईडब्ल्यूएस टोटल 18 ईडब्ल्यूएस को अलॉट किया गया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 3 रैंक है 552। क्या इंपॉर्टेंट है कि अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं दिया गया और लास्ट ईयर के सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही अलॉटमेंट किया गया है, क्योंकि ये मुझे ऐसा पता चल रहा है कि 18 सीटें जेएनएम में दी गई हैं, तो पिछले साल के सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही इस वर्ष भी अलॉटमेंट किया गया है। दूसरी चीज है ना, ईडब्ल्यूएस को है ना यूआर की सीट, अच्छा दूसरी चीज़ और है कि ईडब्ल्यूएस को कई अदर स्टेट में अनरिजर्व की सीटें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को अनरिजर्व की सीटें नहीं दी जा रही हैं, ईडब्ल्यूएस को सिर्फ ईडब्ल्यूएस में ही अलॉटमेंट दिया जा रहा है। जबकि एमपी वगैरह में बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इस पर वीडियो बनाया जाए, तो अदर स्टेट में दी जाती है पर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस की सीट दी जा रही है। और एक बात ये पता चलती है कि जो सीट मैट्रिक्स है उसको बदला नहीं गया है, पहले जैसे ही सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट किया गया है। हालांकि अभी सीजीडीएमई की साइट पर सीट मैट्रिक्स या फीस का डिटेल, कितनी फीस जमा करनी है, कहाँ जमा करनी है, कैसे जमा करनी है, इसके बारे में कोई विस्तार से नहीं बताया गया है, तो जल्द ही उसको अपडेट लेके हम लोग आपके सामने आएंगे। साथ ही साथ और जितने भी कॉलेजेस हैं उनका डिटेल कट ऑफ वीडियो, साथ ही साथ आपका सेकेंड राउंड में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, आगे के राउंड में मॉपअप राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या डेंटल कॉलेज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड ले लिया जा सकता है, या क्या संभावना है, क्या चांसेस हैं कि आपको अपग्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।